इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन प्रिपेयर करनी होती है। आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे, किस ईयर के लिए बना रहे हैं वो असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट करते हैं, एंड देन आपके सामने स्क्रीन अपीयर होती है जहाँ पे आपको ये सारी कंप्यूटेशन फील्ड्स अपने अकॉर्डिंगली वन बाय वन एंटर करनी होती है। जो कि फॉर एग्जांपल आप जैसे सैलरी रिलेटेड डिटेल डालना चाहें तो आप सैलरी पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एम्प्लॉयर नेम और अदर डिटेल्स डालें, फिर जो सैलरी आप मेंशन करना चाहते हैं और मेंशन करने के बाद आप यहां से एग्ज़िट करेंगे तो आपके थ्रू डाली गई डिटेल्स के आपकी बगल में देखेंगे तो यहां पर आपको कंप्यूटेशन प्रिपेयर मिलती है। आप इसी तरीके से अदर डिटेल जैसे हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या कैपिटल डिटेल वन बाय वन एंटर करें और अपनी कंप्यूटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर की हुई कंप्यूटेशन को अगर आप व्यू करना चाहें तो ये कंप्यूटेशन ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है जहाँ पर आपको हमने ऑप्शन दिए हैं कि आप उसे वर्ड या पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। आप चाहें तो उसमें सेट लेटर हेडर एंड फुटर सेटअप के थ्रू आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको ऑप्शन दिए हैं कि आप लॉसेस डिडक्शन या टैक्स डिटेल या डेप्रिसिएशन चार्ट जैसे इन्फॉर्मेशन को भी सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टैक्स डिटेल के थ्रू इंपोर्ट फ्रॉम 26AS का ऑप्शन दिया है जहाँ पे ये डिटेल आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक डिटेल होंगी वो सेलेक्ट करें, ब्राउज के थ्रू वो डिटेल आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको ऑप्शन दिया है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट PNL। इसका यूज़ ये है कि अगर आप केवल इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली वन बाय वन डिटेल एंटर करनी होती है अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। लेकिन अगर आपके पास पूरा जीनियस है तो आप पहले जो बैलेंस शीट 3CB 3CD के ऑप्शन में इन्फॉर्मेशन पुट कर चुके हैं वो डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स के थ्रू सॉफ्टवेयर में वापस यहाँ इंपोर्ट करा सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप अलग से बैलेंस शीट बनाना चाहें तो यहाँ पे बैलेंस शीट का ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑप्शन है, देन इस रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं। इन्हें बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे आपको एक हेल्प का ऑप्शन दिया है जहाँ पर आप इन्हें देख कर अपने अकॉर्डिंगली खुद जब चाहें यहाँ से फॉलो करते हुए स्टेप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो ERI लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल कर कर आप यहाँ से ERI लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिटर्न पे। जब आपकी सारी कंप्यूटेशन फील्ड्स एंटर हो जाएं उसके बाद आप ई फाइलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना ITR फॉर्म जो बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर में पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो पहले आपको अपनी ITR लॉगिन डिटेल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। उसके लिए अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो न्यू रजिस्टर यूज़र का ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने आप को रजिस्टर करें, और अगर आप रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन ऑप्शन के थ्रू अपना यूज़र ID पासवर्ड डालकर प्रोसेस कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम या मोजिला के थ्रू, और अपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं डिटेल। अपडेट के थ्रू ये डिटेल आपकी सॉफ्टवेयर में एक बार अपडेट हो जाती है। जब भी कभी आप फर्दर इस क्लाइंट का या जो डिटेल आपने डाली है उससे जुड़ी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप डायरेक्टली ई फाइल पे क्लिक करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बार बार सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रीव्यू ऑप्शन के थ्रू आप चाहें तो जो भी रिटर्न आपने प्रिपेयर किया है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ई फाइल के थ्रू आप ई फाइल करें और आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। इसके अलावा आपको हमने इनकम टैक्स ऑप्शन में दिए हैं ऑप्शंस कि आप चालान प्रिंटिंग या चालान प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसके लिए अपना क्लाइंट सेलेक्ट करें। क्लाइंट सेलेक्ट करने के अलावा यहाँ पर आपको पहले ऐड चालान करना होता है। ऐड चालान के थ्रू आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट में आप किस टाइप का पेमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे, जो अमाउंट है वो अमाउंट का फिगर मेंशन करेंगे और अपडेट कर देंगे। इसके बाद
जब ये डिटेल हो जाए तो बाय यूजिंग ऑप्शन ई पेमेंट आप डायरेक्टली यहाँ से अपने चालान का ई पेमेंट कर सकते हैं, और चालान का प्रिंट निकालने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप चालान प्रिपेयर या फिर चालान प्रिंटिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया है, जिस रिपोर्ट्स के ऑप्शन के थ्रू आपने जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न फाइल किए हैं उन रिटर्न्स की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहते हैं रिपोर्ट ई रिटर्न विदाउट DSCs या ई रिटर्न विथ DSCs, सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न आपकी पेंडिंग है या फाइल्ड है वो स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे और फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप वन बाय वन डिटेल मेंशन करें और अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। हमने आपको ऑप्शन दिया है रिटर्न्स के अलावा आप असेसमेंट ऑर्डर की पेंडिंग या रिसीव्ड रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, पेन या टेन की अलॉटेड या पेंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको करना होता है उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसमें कि आपको उनका स्टेटस पता चल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ अदर रिपोर्ट्स भी यहाँ पे मिलती है। मिसलिनियस रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आपका क्लाइंट्स जो कवर्ड करते हैं ऑडिट में, या नॉन रेजिडेंशियल क्लाइंट्स की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। ये था रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट ऑप्शंस के बाद हमने आपको ऑप्शन दिया है समराइज डिटेल का, जहाँ पर आप जो भी आपने मास्टर क्रिएट किया है या एंटर किया है इनकम टैक्स के लिए उनकी पूरी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप उन्हें बाइफर्केट या सॉर्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू। उसके अलावा आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और उनका रिपोर्ट्स एक प्रिंट के तौर पे भी निकाल सकते हैं। इस हेल्प के ऑप्शन में हमने आपको सारी डिटेल्स बता के रखी हैं कि अगर आप चाहें तो उस हेल्प के ऑप्शन को फॉलो करके भी कर सकते हैं। ड्यू डेट मास्टर, रिवर्स टैक्स कैलकुलेटर और 49A जैसे कुछ ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 49 या 49A पैन करेक्शन फॉर्म्स बनाना चाहें तो आप अपना क्लाइंट सेलेक्ट करें। आपके सामने उस फॉर्म का फॉर्मेट आ जाता है जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली डिटेल सेलेक्ट करके एंटर करें। अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू डायरेक्टली आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पैन करेक्शन फॉर्म प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपना क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे और उसी तरीके से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हमने आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी दी हैं जिसके थ्रू आपका काम आसान हो सकता है, जैसे क्विक व्यू ITR 5। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी फाइल प्रिपेयर होंगी ITR की वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू, जिसमें कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल एक्नॉलेजमेंट नंबर रिलेटेड। आप यहाँ पे CPC इंटीमेशन रजिस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले आप अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करते हैं, जहाँ पर आपको डिस्प्ले नेम, ईमेल ID, सर्वर डिटेल्स मेंशन करना होता है, और उसके बाद जो भी मेल आईडी आपने की है और उस मेल आईडी पे जो भी आपको CPC इंटीमेशन मेल्स आते हैं डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर से गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको नया ऑप्शन दिया है बल्क पैन आधार एट ITD पोर्टल। इसमें आप जो क्लाइंट से उन्हें सेलेक्ट करें वो जो आधार से लिंक हैं या वो जो आधार से लिंक नहीं है अपने अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करके आप लिंक पैन आधार ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे छोटे ऑप्शन हैं जो कि आपके काम में मदद करते हैं।